चले सर। हाँ अब क्या हुआ? हाँ तो महंगाई कब नहीं बढ़ती, अब बच्चे बढ़ेंगे तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन तुम कम से कम कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर सकते हो। नहीं यार, अक्ल इस्तेमाल कर, ऐसे किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। स्टेट लाइफ से ज्यादा रिटर्न्स कोई नहीं देता, और सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट के फायदे भी हैं। तुम फिकर नहीं करो, बल्कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें स्टेट लाइफ के अपने बंदे का नंबर सेंड कर, तुम बस उसे कॉल कर, बाकी मैं बात कर लूंगा, वीकेंड पे मिलते हैं, बस यही रोक दो। बॉस वो टिप के बजाय आपके स्टेट लाइफ के बंदे का नंबर मिल सकता है? स्टेट लाइफ, जिंदगी एतमाद के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर एंड सेल्स मैनेजर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का प्लान डिस्कस करूंगा, और ये प्लान जो है उन अफराद के लिए जो अपना बिजनेस करते हैं या अपना कारोबार करते हैं या उनकी शॉप वगैरह है कोई, तो उन अफराद के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान जो है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रहेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट का इदारा है, और इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो चुके हैं। दोस्तों इस इदारे का जो मेन जो काम है, जो मेजर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है बड़े पैमाने पे, वो इनकी पूरे पाकिस्तान में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के नाम से बिल्डिंग्स मौजूद हैं, बड़े बड़े ऑफिस मौजूद हैं, प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, और ये अपनी जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होती है उसे ये रेंट पे देते हैं। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस वालों को रेंट पे देते हैं, और उसका जो रेंट वगैरह आ रहा होता है वो तमाम का तमाम जो है पॉलिसी होल्डर की फाइलों में, उनके प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है जो भी इसका प्रॉफिट आ रहा होता है। और इसकी जो भी जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, जो प्लान्स होते हैं, उनकी जो गारंटी जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है। और इन केस अगर खुदाना खासा किसी को कोई क्लेम नहीं मिलता और उसने प्रीमियम की अमाउंट वगैरह जमा करवा चुका है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को, और उसके बाद तमाम प्रूफ मौजूद है, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं है, और अगर उसके बाद भी अगर उस शख्स को क्लेम नहीं मिलता तो वो अगर चाहे तो बाकायदा कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बेसिकली एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बड़ा एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस प्लान में आपको जो है जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सालाना करनी होगी, दोस्तों अगर आप साल के 5 लाख रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे करते हैं तो 20 साल की पॉलिसी होगी, और 20 साल के बाद इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो मैच्योरिटी मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, वो तकरीबन 4 करोड़ एक्सपेक्टेड आपको मैच्योरिटी मिलेगी। दोस्तों ये जो मैच्योरिटी बताई है मैंने आपको, ये वक्त के साथ बढ़ भी सकती है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कोविड जैसी, अल्लाह ना करे कोविड जैसे मामला दोबारा आए, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है तो ये कम भी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको सालाना जो है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और 20 साल के बाद आपको तकरीबन 4 करोड़ के करीब इसका आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। इसमें दोस्तों और भी बेनिफिट्स हैं, अगर पॉलिसी को दोस्तों 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं या 10 साल या 15 साल हो जाते हैं, और अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है या आपको पैसे चाहिए, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस अपने तमाम सार्फिन को, तमाम क्लाइंट्स को जो है लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, 3 साल के बाद जो भी आपकी सिलेंडर वैल्यू होगी उसका 80% तक आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से लोन भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर खुदा ना खास्ता इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को डेथ क्लेम की मद में 1 करोड़ रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से पे किए जाते हैं डेथ क्लेम की मद में। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट के थ्रू अगर डेथ हो जाए तो उस सूरत में क्लेम डबल हो जाता है, और 2 करोड़ जमाशुदा बोनस फैमिली को दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें और भी अदर बेनिफिट्स हैं, जिसमें इंजरी क्लेम, अगर आप अपनी फाइल में AIB राइडर्स को ऐड करवाते हैं तो इसमें जो है इंजरी क्लेम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा FIB राइडर फैमिली इनकम बेनिफिट, अगर इस राइडर को ऐड करवाते हैं फाइल में तो फैमिली को डेथ क्लेम के अलावा भी हर साल 10 लाख रुपए तक की जो है पेंशन की मद में अमाउंट दी जाएगी। अगर आप 5 लाख वाली पॉलिसी लेते हैं, 1 करोड़ सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें फैमिली इनकम बेनिफिट जो है तकरीबन जो है 10 लाख रुपए फैमिली को हर साल दिया जाएगा डेथ क्लेम के अलावा। और अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है तो उस सूरत में फैमिली को डेथ क्लेम डबल दिया जाएगा, यानी सम इंश्योर्ड अमाउंट अगर 1 करोड़ है तो डेथ क्लेम
2 करोड़ के करीब जो है दिया जाएगा। अगर किसी भी शख्स ने पॉलिसी करवाई और उसने सिर्फ और सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट अदा करी और 1 महीना अगर हो गया, उसकी फाइल इशू हो गई है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, तो डेथ अगर हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ क्लेम की मद में 1 करोड़ रुपए रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट का इदारा है और हमारे पास इसी तरीके से सारे बचत प्लान होते हैं, सेविंग प्लान होते हैं और इसका मेन पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तहफ़ फ्राहम किया जाए, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, कवरेज दी जाए और इनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोगों की जो भी इनकम है, जो भी सेविंग है, उसके मुताबिक आप जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, प्लान लें, पॉलिसी लें, ताकि आने वाले टाइम में इससे मिलने वाली रकम से जो है आप अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दिलवा सकें या बच्चों की शादी वगैरह कर सकें या कोई कारोबार वगैरह करना चाहते हैं या कोई हज उमरा प्लान करते हैं या कोई टूर वगैरह का आपका इरादा है, तो इस मिलने वाली रकम से आप अपने जो भी मकसद हैं, जो भी आपके ड्रीम गोल हैं, उनको आप पूरा कर सकें। तो आई होप दोस्तों ये तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस सिलसिले में अगर कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।